नमस्कार देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ईशान शर्मा और आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दुरुस्त हों। आई होप यू गाइस आर ओके, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस जो है वो अपने पीक पे है, काफ़ी मैं कहूंगा तेज़ी से फैल रहा है आजकल। एंड आई रियली होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, फिट एंड साउंड। और उम्मीद मैं यही करता हूं कि जो आपको सरकार रेगुलरली एडवाइजरीज दे रही है, जो आपको डॉक्टर्स रेगुलरली एडवाइजरीज दे रहे हैं कि किस तरीके आपको वो स्टेप्स उठाने हैं जो कोरोना वायरस का जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, वो स्टेप्स ज़रूर उठाइए। रेगुलरली आप हाथ धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं वो अवॉइड करिए, और उसके अलावा जो तमाम एडवाइजरीज आपको आ रही हैं वो फॉलो ज़रूर करिए यार, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे ज़रूरी है आपकी जान। और इसका कैसा असर पड़ सकता है IPL 2020 पे, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं यार। जो हमारी इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रिसेंट स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट ये कहता है कि यार आप जो है आप इवेंट तो कर सकते हैं, आप पब्लिक इवेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक इवेंट में पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते, आपको इसकी अनुमति नहीं है। मतलब आप IPL मुकाबला रखें, चाहे म्यूजिक कॉन्सर्ट रखें, चाहे फुटबॉल मैच रखें, आप खेलिए, लेकिन आपको कोई देखने नहीं आ सकता। वो जो स्टैंड्स है ना, आप टिकटें नहीं बेच सकते, दो स्टैंड्स विल नीड टू बी एम्प्टी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए यहाँ पे IPL 2020 को। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यार जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, वैसे वैसे कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो भी कम होता रहता है। और इस वक्त हम मार्च में, अप्रैल तक आते आते 29 मार्च को IPL की शुरुआत होगी, टेम्परेचर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, एकदम से टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। तो क्या पता यार जो मामला है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, क्या पता मामला तब तक थोड़ा थम जाए। लेकिन अगर मामला नहीं थमता तो ये हो सकता है कि आप जो है एम्प्टी स्टैंड्स में आपको IPL खेलना पड़े। टीवी पे वैसा ही दिखेगा जैसे दिख रहा है, इंटरनेट पे वैसा ही दिखेगा जैसे दिख रहा है, लेकिन अब ये सोचिए जो फैंस है ना, उनको काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ पे क्रिकेटर्स का भी जो मोटिवेशन है वो निश्चित रूप से थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, आपको आदत होती है IPL में उस शोर की, उस शराबे की, वो सब अगर देखने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा डीमोटिवेशन हो सकता है। एज़ फार एज़ द फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड, आपको झटका तो लगेगा, देखिए टिकट सेल्स ही नहीं होंगी तो हर टीम को असर पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टिकट सेल्स होती हैं, जो गेट सेल्स होती हैं ना, ये इंश्योरेंस कंपनीज से ऑलरेडी कवर्ड होता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक परसेंटेज ऑफ लॉस ज़रूर कवर होगा। लेकिन IPL का जो ब्रांड वैल्यू है हर साल जो ऊपर जाता है ना, उस मामले में लॉस होगा, और भी तरीके के काफ़ी लॉसेज होंगे। देखिए इंश्योरेंस ज़रूर आपको थोड़ा बहुत कवर करता है, लेकिन लॉस तो लॉस है यार, और टिकट सेल्स नॉट हैपनिंग विल स्टिल बी अ बिग लॉस। और एक और जो मुद्दा है, एक और मुद्दा ये है कि जो कल ही हमारे गवर्नमेंट ने एक और नियम निकाला है कि आप 15 अप्रैल तक वीज़ाज़ नहीं इशू कर रहे फॉरेनर्स को, उसमें थोड़े बहुत क्लॉजेज ज़रूर हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, अगर आपका डिप्लोमेटिक वीज़ा है, अगर इस तरीके के वीज़ाज़ हैं तो आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। लेकिन जो IPL के फॉरेन खिलाड़ी हैं ना सारे, वो मोस्टली बिजनेस वीज़ाज़ पे आते हैं। जी हाँ, बिजनेस वीज़ाज़ पे आते हैं, और बिजनेस वीज़ा इस टाइम पे नहीं मिल रहे। तो IPL की टीम ओनर्स और BCCI इस वक्त कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि यार ठीक है, हम लोग जो है बंद दरवाज़ों के पीछे खेल लेंगे क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, हम देश के लिए इतना करेंगे और बनता भी है इतना करना, लेकिन आप लोग किसी तरीके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, उनको आप हिंदुस्तान बुला लीजिए, किसी तरीके आप उनके जो वीज़ाज़ हैं वो करा दीजिए, उस प्रोसेस में आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, ताकि जो है हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो, ब्रांड वैल्यू गिरे नहीं, और टीवी पे जो है लोगों को देखने का, एटलीस्ट टीवी पे देखने का तो उतना मज़ा आए। अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे स्टैंड करती है, अगर सिचुएशन इससे भी ख़राब हो जाए तो BCCI माइट लुक आउट है। टू ऑप्शंस, पहला ऑप्शन श्रीलंका है, देखिए टाइम जोन सिमिलर है हिंदुस्तान की अगर आप बात करें और श्रीलंका की बात करें, दोस्ती बहुत ज़्यादा है, दोस्ती बहुत गहरी है दोनों बोर्ड्स में, एज़ फार एज़ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आर कंसर्न। एक और ऑप्शन, पहले श्रीलंका की बात खत्म करता हूं मैं, केवल एक ही कोरोना वायरस केस है अभी तक श्रीलंका में, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है बाबीडॉस, लेकिन काफ़ी दूर है, टाइम जोन का भी कितना काफ़ी फ़र्क है, हालांकि वहां पे भी कोरोना वायरस का अभी तक एक भी केस नहीं है। जिम्बाब्वे में भी कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, दुबई में केसेज हैं, तो द मोस्ट लाइकली ऑप्शन विल बी श्रीलंका। पर अभी जो इस स्टेज पर जो खबर है वो ये निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने तो यार ये कह दिया है कि आप टिकटें नहीं बेच सकते, आपको एम्प्टी स्टैंड्स के सामने खेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं IPL के जो टीम ओनर्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो मैनेजमेंट है, वो भी इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है, हालांकि बहुत मैं कहूँगा हैवी हार्ट से स्वीकार कर रहा है, बट स्वीकार करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन यही उनकी विनती है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, कम से कम आप उनको तो वक्त पे ला दीजिए कि IPL टीवी पे तो कम से कम लोग सही तरीके से देख पाएँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी निश्चित रूप पे जो है अपनी राय कॉमेंट्स
सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। इस तरीके से आईपीएल खेला जाना चाहिए या क्या बीसीसीआई श्रीलंका की तरफ देख सकती है, बार्बाडोस की तरफ देख सकती है, अगर और कोई ऑप्शन ना रहा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एंड वंस अगेन, यू गाइस स्टे सेफ एंड फॉलो द रूल्स, दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।